हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देख रहे हो, जैसा कि मेरे यहाँ पे देख रहे हो, अभी कुछ ऐसा कर रखा है मैंने। ये क्यों कर रखा है, देखो रामलीला खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया। और मैं आया था यहाँ पर सैलून के अंदर, तो अंदर आने के बाद मुझे एक मुर्गा दिखा, मुर्गा था नहीं, उसको मुर्गा बनाया जा रहा है अभी। तो देखो उसके कलरिंग कर दी गई बालों की, ऐसे कुछ समथिंग करके तैयार करा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दो तीन लाइनें मरवा लूँ, तो इन्होंने मेरे भी लगा दिया। मैं वैदिक गंगा में हाथ धुलवाया मैंने अभी फिलहाल, तो हाथ वैसे हाथ अभी ये धोएंगे। इन्होंने अभी बहुत कुछ कराया भी, और कटिंग तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं भाई। कटिंग के मामले में देख लो, गंजे की भी कटिंग कर देते हैं, ऐसी कटिंग है मैं बता नहीं सकता। गंजे के सर पर अगर गंजा बोल दे कि मेरे को बाल कटवाने हैं, तो उसको कहते हैं आँख बंद कर ले, मैं उस तरह फेर दूंगा। उस तरह फेरने के बाद कहते हैं देख तेरी कटिंग हो गई, तो बंदा खुश। तो अभी ये भी कटिंग बहुत अच्छी करते हैं। आज कुछ खा रहे क्यों, आपको नशा पत्ती कुछ है? नहीं कर रहे ये, नशा वैसा नहीं करते ऑनलाइन पर, तो नशा वैसे भी नहीं बताते ये करते हैं नहीं करते। तो मैं बार बार घूम के ही आता हूँ, इसलिए ये बंदा ये अभी कुछ नहीं कर सकता, इसको जितना मुझे मार लो है ना, अभी देखो हंसा लो, कुछ भी कर लो, इसके फ़ोन छीन लो। फ़ोन अच्छा, फ़ोन दिया है अभी पापा ने फ़ोन नहीं दिया, तो भाई फ़ोन भी मिलने वाला है इसे। मेरी मुंह की शक्ल ही ऐसी हो गई है अभी, लास्ट बंदा यही है, कुछ बोल दे भाई। तो तेरे इस सैलून पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर है, क्या है, क्या नहीं है? ये राजा विहार गली नंबर 4 मुकंदपुर में है। तो वैसे तो भाई बहुत अच्छा करते हैं, मजाक कर रहा था। तो अभी कलर कोई सा भी कलर कराना हो लड़कों के लिए, खास स्पेशल करते हैं भाई, और फुल गर्म करके इनका भी हलवा तैयार कर रहे हैं। कौन सा कलर है ये है, जो भी है अभी बाद में बता देंगे, ठीक है, अभी आवाज़ से आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये जो पहले आएगा उसको फ्री में भी करवा सकते हैं भाई। देख रहे हो मेरी दाढ़ी भी कर रखी है बंदे ने। खुशबू सैलून है ये, और यहाँ पर हो रहे हैं अभी बालों के कलर, जैसे मर्जी कलर करा सकते हैं। ये देखो पीछे भी एक लटक रहा है पूछता, उस कलर का भी करा सकते हैं आप। तो जैसा कि दुकान के मेन मालिक यहाँ पे बैठे हुए हबीब साहब, और ये कटिंग सिखा चुके हैं इन्होंने अपने लड़के को, जो कि बहुत फेमस कर रखा है लड़का, इस टाइम मुकंदपुर में आतंक सा ठा रखा है। मतलब आज दुकान खाली मेरे वजह से करवाया, क्योंकि मेरे को आना था और मैं नहीं चाहता था कि बाउंसर लेके आना पड़े मुझे, तो इसीलिए। ये हैं हमारे दूसरे कलाकार जो कि यहाँ पर कटिंग करते हैं, अभी भाई की करी है, देख लो कटिंग एक जेन्युइन करी है, ऐसी कटिंग करा नहीं सकते भाई आप, और कहीं नहीं करा सकते। यहाँ पर देख लो बाल कम है, मेरे भी कम है, ठीक है, मगर फिर भी लुक पूरा ला दिए हैं। तो और इनकी बात करें तो इनकी बात दे दे, और टकले के हिसाब से जैसा हमारा सर के बाल होंगे वैसी हमारी दाढ़ी बना देते हैं, दाढ़ी का हिसाब पूरा वही वाला देते हैं। और हमारे जो खतरनाक, अरे भाई 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 साहब, भाई साहब आप कितने रुपए दिए हैं आपने कटिंग के? ये घर का माल है, ये भाग रहा है बिना पैसा दिए भागेगा लग रहा है। तो अच्छा धुलाई हो रही है, नहीं नाक के बाल भी इन्होंने वाइट कर दिए हैं। भाई देख लो पूरा प्रोसेस देखो, अभी तो इनका पूरा कलर दिखाऊंगा मैं, क्या जेन्युइन कलर आएगा बंदे का। मैं भी इसको बड़ा भैया बोलने वाला हूँ, उसके बाद ये रोज मेरी कटिंग करेगा, कुछ ना कुछ आके बनवाऊंगा। तो सैलून दिखा देते हैं एक बार पूरा, आप बचपन से करा रहे हैं? हाँ मैंने आपको देखा है शायद पहले, आप टीवी पे आते हुए हैं? अच्छा रोड पे आते हैं भाई, रोड पे आते हैं तो डन है। अरे ये जो जिनका हो रहा है, क्या आप मुंह से बोल सकते हैं? आपकी मुंह में जवान है या नहीं है? जवान है मतलब बोल सकते हैं, कैसे घूमे इंसान हो आप? ये बोल नहीं रहा है, इसको मारो। तो ये देखो इसके घोड़े की पूंछ जैसे कलर हो गया बिल्कुल फाइनल इसका।
अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये रगड़ रगड़ के कर देंगे। ऐसा लग रहा है काले कलर को धो रहे हैं और नया कलर निकाल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है कुछ। जनवरी 22 तारीख को हमारे जो मंदिर है राम मंदिर अयोध्या में, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो उससे पहले अगर किसी को भी दाढ़ी कटवानी है या बनवानी है, बिल्कुल चिकनी करवानी है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। और एड्रेस मैं पूरा उस पर भी डाल दूंगा थंबनेल पे। तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा इनसे पूछता हूँ, राम जिस दिन उद्घाटन होगा राम मंदिर का, उस दिन आप कुछ करने वाले हो? बंदे तो बहुत कुछ कर रहे हैं वैसे तो, आप क्या सोच रहे हो, कुछ पूजा वूजा करोगे? ऐसी भंडारा होने वाला है, तो जैसे कि इधर से आप आवाज आई अभी मेरे को, भंडारा होने वाला है। कब होने वाला है? 22 तारीख को, जब यहाँ पे पूरे इंडिया का दिवाली मनेगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस टाइम पे हर बंदा जय श्री राम के नारे लगा रहा होगा, और शायद नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे पहुँचेंगे। तो बाकी तो सब आप लोग देखोगे लाइव। भाई मैं तो बस अभी थोड़ी सी दाढ़ी वाढ़ी का काम करा रहा हूँ, मैं भी रेडी हो रहा हूँ। राम जन्म जब होगा, पता चला मेरे को लक्ष्मण बना के बैठा दे ये दाढ़ी वाढ़ी सब गायब करवा दें, क्योंकि अपने बंदे बोलेंगे तो करना तो पड़ता ही ना। बाकी अभी आप पूरा देखा, अभी पूरा लास्ट का कलर जरूर दिखा के जाऊँगा यहाँ से। डेढ़ घंटे का प्रोसेस है, डेढ़ घंटे आपको वीडियो नहीं दिखा सकता ना, इतनी लंबी आप देखोगे नहीं। तो आपको कट टू कट लेके चलता हूँ आगे। तो अभी हो रहा है शैम्पू करा जा रहा है, इससे पहले क्या करा था भाई आपने? तेज बोलो। अच्छा, और कितने प्रोसेस अभी होके निकला है यहाँ तक, कितने प्रोसेस हो चुके हैं? अच्छा, तो अभी शैम्पू कर रहे हैं। तो ये अभी करा भाई, और देख लो आप बहुत क्लीन, मतलब बहुत हल्के हाथों से कर रहे हैं, ताकि आपके बाल भी नहीं टूटेंगे और क्लीन हो जाएगा। जो कलर लाना चाहते हैं सेम कलर आएगा, वो कलर तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, वो खुद ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट तक में। फाइनली ये काम हो गया है पूरा, ये भी प्रोसेस पूरा कंप्लीट है, तो थोड़ा सा रह रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। भाई मज़ा आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको भैया? पक्का? चलिए ठीक है, तो चलिए ये काम होता है, अभी धुलाई कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। हो गया है नेक्स्ट प्रोसेस, आप देखो भाई मैं शीशे में दिखा रहा हूँ। ओए ओए, अब यहाँ से देखो आप क्या, तो जुल्फे घनेरी शाम रंगीली, अभी ये मेरे को रंगीली लग रहा है, रंगीला रे। नहीं भाई वैसे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा फास्ट करेंगे वीडियो। तो नेक्स्ट प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया है, फिर बाल सुखाए जाएंगे, और अब वाइट कलर आ गया है इसमें, जैसा वो वाला जो ला रहे थे। साइड से लगाएंगे और फ्रंट तक लाएंगे। तो कौन सा कलर बना रहे हैं अब आप? है बैक साइड लगाएंगे और बैक साइड तक ही रखेंगे, ठीक है? तो हमें नहीं पता ना भैया, हम थोड़ा ना है। अच्छा क्या मार रहे हो? अच्छा रूट है। अच्छा पूरी चीज़ें नहीं दिखा रहे आप, पूरा दिखा देंगे तो प्रोसेस कराएंगे, कौन ऐसे देख लेगा ना बंदा। तो भाई पता भी तो होना चाहिए आप क्या क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत लग रही है। मेहनत नहीं पता चलेगी तो कैसे काम होगा? सबको लगेगा बस आना है, पैसा देना काम हो जाएगा, टाइम भी देना पड़ता है। चलिए रेडी, यू रेडी? तो दिल पे थोड़ी सी सवारी जा रही है अभी। सवार दूं सवार दूं, ओ
थोड़ा थोड़ा घोड़े को सजाए जा रहा है। अच्छा जो फालतू हो गए इनको ब्लैक कर देंगे। उठाओ जरा। अरे अब तो यूट्यूब पर डाल दोगे ना लोग जानता हूँ मैं। एनवी वंटाई है ना ये जानता है। वो कटोरा लेके खड़ा है। अच्छा उसमें पैसे तुम्हें चिपक जाएगा। हाँ भैया कटोरा लेके खड़े हो आप, बताओ कैसे बंदे हो आप, कटोरा लेके खड़ा कर लेते हो अपने पास ही बंदा। तू नीचे रख, तू देखेगा तो तेरा घोड़ा बना देंगे। भाई दिल पे रहेगा पहले।